अपने ब्लैक डीड्स को छुपाने के लिए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी ने कोई ब्लैक पेपर निकालने की बात की है। भ्रष्टाचार और ब्लैक डीड करने वाले और कर भी क्या सकते हैं। 10 साल पहले अगर उनके आइडियोलॉजी पे ही है, फिर इतने पैसे क्यों नहीं जमा होते थे, अब क्यों जमा? सो ये इनडायरेक्टली हरासमेंट प्रेशराइज करके आप इलेक्शन में पैसा ले रहे हैं और ये पैसा डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए यूज कर रहे हैं। 2014 में जिस समय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश में सरकार बनी थी, उस समय देश का जो माहौल था वो लोगों के हताशा और निराशा थी। पिछली सरकार जो 10 वर्ष तक रही थी यूपीए की, नरेंद्र मोदी जी ने उन सारी जिम्मेदारियों को चुनौती के रूप में स्वीकार किया। 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 70 साल में देश बना ही नहीं, अभी बना है। 10 साल में जो देश में घोटाले हुए हैं वो भी व्हाइट पेपर में डाल दीजिए, खास करके महाराष्ट्र से। अजीत पवार का 70,000 करोड़ का घोटाला जो मुख्य प्रधानमंत्री ने नहीं लाया था सामने, ये सब डाल दो व्हाइट पेपर में। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 सालों में जो काम किया है जनता के हित में, गरीबों के हित में, किसानों के हित में, अभूतपूर्व काम है। स्वर्ण अक्षरों से नाम लिखा जाएगा और ये जो खजाने को लूटने वाले लोग थे उनको ठिकाने तक वो पहुंचाने का काम किया। ये सब चोर लोग हैं। बीजेपी के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है, ऐसा वॉशिंग पाउडर है, मोदी वॉशिंग पाउडर नाम की चीज, जो सारे करप्शन जो लोग इन्वॉल्व थे, जिन पर भाजपा मोदी जी खुद प्रधानमंत्री जी आरोप लगाते, उनको जैसे ही बीजेपी एनडीए के साथ शामिल कर लिया जाता वो बिल्कुल वाइट हो जाते। कांग्रेस के पास तो है काले कारनामे, वो तो भले के लेके आएगी, उनके पास सफेद है क्या? कांग्रेस ने जो काले कारनामे किए हैं वो तो उन्हीं का पेपर लेके आएगी, उनके पास कुछ नहीं है। और हमारे खिलाफ उनके पास में एक भी आरोप नहीं है, है तो पार्लियामेंट में आकर के जवाब दे, बताएं क्या गलती की है। तो 24 की लड़ाई ब्लैक एंड व्हाइट पर आई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में अर्थव्यवस्था को लेकर, भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर श्वेत पत्र पेश किया। श्वेत पत्र में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 2004 से 2014 के कार्यकाल में आर्थिक विकास के ठप पड़ने, भ्रष्टाचार के आरोप के साथ साथ निवेशकों के भरोसे में कमी को लेकर हमला बोल दिया। श्वेत पत्र में सरकार ने बताया कि कैसे 10 साल पहले 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार सत्ता में आई, तब अर्थव्यवस्था बेहतर होती गई, यानी कि 2014 से पहले वो बेहद नाजुक हालात में थी जब पीएम मोदी को सत्ता मिली। पब्लिक फाइनेंस बुरी तरह से डगमगाया हुआ था, आर्थिक मैनेजमेंट का बुरा हाल था, वित्तीय अनियमितताएं सीधे तौर पर थी, भ्रष्टाचार चरम पर था, भारत में निवेश करने वाले निवेशकों का भरोसा डगमगा चुका था। ऐसे में सरकार बनने के बाद मोदी सरकार के सामने अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने की सबसे बड़ी चुनौती थी और अगले 10 सालों में 2014 से पहले की अवधि में सभी चुनौतियों पर अब मोदी सरकार ने काबू पाया। सही नीतियां, सही नियत और बेहतर कदम उठाए, अर्थव्यवस्था राह पर आ गई। यह है श्वेत पत्र। खबर क्या है? खबर यह है कि संसद में सरकार ने श्वेत पत्र पेश किया, मगर दूसरी खबर भी है। दूसरी खबर यह कि मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने ब्लैक पेपर, यानी कि काला पेपर, एक श्वेत पेपर और एक ब्लैक पेपर, यानी ब्लैक एंड व्हाइट। अब श्वेत पत्र क्यों?
वो समझिए। यूपीए सरकार की खामियां, यूपीए सरकार की खामियों के साथ साथ यूपीए से एनडीए सरकार बेहतर कैसे है, इसलिए यह श्वेत पत्र लाया गया। श्वेत पत्र इसलिए लाया गया कि यूपीए सरकार के आर्थिक फैसलों का पूरा ब्यौरा जनता तक पहुंचाया जा सके। यह श्वेत पत्र इसलिए लाया गया क्योंकि यूपीए एनडीए सरकार के कामों में अंतर बताने की कोशिश की गई, मगर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कांग्रेस कह रही है महंगाई के आंकड़े क्यों नहीं दिए, आटे के दाम 2014 में क्या थे अब क्या हैं, एलपीजी के दाम 2014 में क्या थे अब क्या हैं, पेट्रोल के दाम क्या थे अब क्या हैं, 2014 में 71 रुपए पेट्रोल था, 2024 में 97 रुपए हो गया, 37% की वृद्धि हो गई, यह भी बताना चाहिए था सरकार को। इसके साथ साथ डीजल को लेकर भी सरकार को बताना चाहिए था, तब 55 रुपए का था अब 90 का हो गया, 64% वृद्धि हो गई। तो ऐसे एक एक करके आंकड़ों का जिक्र दोनों तरफ से किया जा रहा है, यानी एक दावा यह कि देश की आर्थिक विकास की गति मोदी शासन काल में लगातार बढ़ रही है और 2004 से 14 के बीच में मनमोहन शासन काल में यह पूरी तरह से अर्थव्यवस्था डगमगा चुकी थी। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, ये चारों मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। त्यागी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अवनीश त्यागी जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है, बीजेपी के चेहरे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अवनीश जी से ही चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन हमारे साथ अवनेश यादव जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं, कंचन यादव जी आरजेडी का चेहरा है, नरेंद्र सोनी जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये श्वेत पत्र लाने की जरूरत क्यों पड़ी, त्यागी जी जरा मार्गदर्शन करें। 10 साल पूरे हो गए हैं मोदी सरकार के लगभग, हाँ। तो अपने कामों का ब्यौरा वो पिछली सरकार के जो 10 साल थी, पूर्ववर्ती सरकार थी यूपीए सरकार, उन दोनों सरकारों के इन दोनों सरकारों के कामकाज का उपलब्धियों का ब्यौरा दिखाना जनता को बहुत जरूरी था, ताकि जनता अंतर कितना फर्क है ये साफ जान सके, और ये साफ जनता जान रही है, जनता जान रही है और जनता मान भी रही है, जनता पहचान। अच्छा, आप ये साबित करना चाह रहे हैं आप जब से सत्ता में आए तो अमृत काल शुरू हुआ, राइट? ये निश्चित रूप से हम जान रहे हैं और ये जनता ही मान रही है, जनता मान रही है, जनता मान रही है। हम श्वेत पत्र लाए, यानी 10 साल आपके अच्छे थे, काले मन वाले उनके थे, जो वो काले, हाँ, काले मन वाले कारनामे वाली कांग्रेस काला पत्र लाई। अच्छा, और जनता का प्रशस्ति पत्र भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, राज्यों के चुनाव के नतीजे, मोदी जी की लोकप्रियता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि का बनना, देश की जनता में उनकी। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि आप आधे अधूरे आंकड़े लेकर आए, आधा सच बताया आपने, आधा नहीं बताया। नहीं नहीं, क्योंकि जो हमने बताया वो हमने अपना बताया और जो उनका बताया वो भी बताया, पर जनता फैसला लेती है, लोकतंत्र में सबसे बड़ा फैसला जनता का होता है, वो ही मान्य होता है। अवनेश यादव जी, जनता भारतीय जनता पार्टी को प्यार कर रही है, त्यागी जी जरा एक एक कमेंट ले लूं फिर उसके बाद आंकड़ों पर बात करूंगा पक्का। जनता का, त्यागी जी एक मिनट, मेरी आदत है मैं आंकड़ों पर बात करता हूँ, इधर उधर की बात नहीं, एक एक कमेंट ले लूं फिर आंकड़ों पर आता हूँ। अवनेश यादव जी, त्यागी जी कह रहे हम जो है सच्चे थे इसलिए लेकर आए व्हाइट पेपर, आप लोगों का मन है काला इसलिए आप लेकर आए ब्लैक पेपर, यानी एक व्हाइट एक ब्लैक, आपको सब कुछ काला ही काला दिखाई दे रहा है, ये समझ में नहीं आया, कुछ भी सरकार में अच्छा नहीं हुआ क्या? अवनेश यादव जी सर वो एक बार अनम्यूट, बोलिए यादव जी, यादव जी वो अनम्यूट वाला मसला है, म्यूट अनम्यूट वाला, कनेक्ट करवा रहा हूं सर आपको दोबारा, आप आ रहे हैं सर आपके पास। नरेंद्र सोनी जी यही सवाल आपसे मेरा, एक ब्लैक एक व्हाइट, जनता किस पर करे विश्वास? देखिए ऐसा है सर कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को 10 साल हो गए सरकार चलाते हुए, जी बेहतर ये होता कि भारतीय जनता पार्टी अपनी
काम बताती कि आपने इस देश के लोगों के लिए क्या किया, इस देश के गरीबों के स्तर को उठाने के लिए आपने क्या किया, ये आपको बताना चाहिए था लोगों को। ठीक, आपको ये भी बताना चाहिए था कि आप किस तरीके से 2014 से पहले महंगाई दर क्या थी और आज 2024 में महंगाई की मार लोग कैसे झेल रहे हैं, ये भी आपको बताना चाहिए था, क्योंकि आप ही कह के आए थे कि बहुत ही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, आप ही ने कहा था। आपने कहा था कि भाई 2 करोड़ हर साल हम रोजगार देंगे युवाओं को, तो उसका क्या रहा, ये आपको श्वेत पत्र में बताना चाहिए था। 2022 तक आप किसानों की आय दुगनी करने वाले थे, उस पर आप श्वेत पत्र में जरा बता देते, खुलासा कर देते कि कितनी दुगनी आय हो गई, MSP तक मिला नहीं किसानों को। आपको ये बताना चाहिए था कि आपने युवाओं से वादा किया था लेकिन आप लेके आए अग्निवीर योजना जिसमें युवा आज तक प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। नोएडा और दिल्ली के बॉर्डर पे आज भी किसान बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, उनकी मांगे नहीं सुनी जा रही हैं, वो कह रहे हैं 5 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको ब्लैक वाले पर यकीन है या व्हाइट वाले मसले पर, मैं ये जानना चाह रहा था। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ब्लैक वाले वो तो बीत गया 2014 से पहले, भाई हाँ, कुछ कमी रही होगी तभी तो जनता ने आपको मौका दिया ना। जनता तो कंपेयर करती है ना, मतलब कौन सच्चा कौन झूठा जनता तो तय करती है ना, उसका पैमाना तो ये होता है कि भैया वोट, जितना मैं समझ पाता हूँ लोकतंत्र को, लोकतंत्र में पैमाना होता है वोट, उसके अलावा कोई और है तो मेरे को बताइएगा। नहीं, मैं तो ये बता रहा हूँ ना कि चलिए पिछले वालों में कमी रही होगी तभी तो जनता ने आपको अवसर दिया था 2014। नहीं, कमी ना होती तो आपकी पार्टी का जन्म कैसे होता, अगर कमी ना होती तो आपकी पार्टी का जन्म कैसा होता, आपकी पार्टी का जन्म भी तो इनके खिलाफ आंदोलन करके हुआ ना, मैं गलत तो नहीं, वो आंदोलन की कोख से निकली हुई पार्टी है आपकी, और इन्हीं के खिलाफ आपने आंदोलन किया 2G 3G 4G जीजाजी और तमाम बातें करते हुए रामलीला मैदान पर, बुरा मत मानिएगा सर, ये हुआ था। नहीं नहीं, हुआ था, बिल्कुल हुआ था, हाँ। तभी तो मैं कह रहा हूँ उनमें कमी थी तभी तो आपको अवसर दिया था ना। हाँ, मेरा तो ये कहना है। अवनेश यादव जी, जी सर, वो कह रहे हैं कि मन है काला दिल भी काला, इसलिए आप लेकर आए काला श्वेत पत्र। शायद ये बीजेपी के जो हमारे साथी हैं, जो बड़े भाई हैं, वो ये भूल चुके हैं कि 2014 से पहले ये भी विपक्ष में हुआ करते थे और आए दिन सड़क पे तांडव किया करते थे, और विपक्ष का काम है सरकार की कमियों को बताना, और मैं ये मानता हूँ ये एक मजबूत लोकतंत्र की परंपरा है, और इस परंपरा को हमारी पार्टी ने हमेशा निभाया है, हमने हमेशा विपक्ष का सम्मान किया है। ये बात अलग है कि मौजूदा पास जो हमारे बीजेपी के साथी हैं, ये लोग विपक्ष के सवालों से डरते हैं। आपने देखा कि पिछली बार संसद में विपक्ष के तमाम सांसद नहीं, यादव ये बातें तो मंच पर ठीक है, वो चुनावी मंच पर सुनने सुनाने में, ये बताओ कि आपका शासन काल अच्छा कैसे था और इनका खराब कैसे, मैं इतना जानना चाह रहा हूँ बस। ये बात तो जनता बेहतर बताएगी। नहीं तो जनता को वोट दे रही है कि तो कैसे माने थे? गरीबों के लिए काम हुआ, आम आदमी के लिए काम हुआ, हमारे शासन काल में नौकरी दी गई, महंगाई पे लगाम लगाने की पूरी कोशिश की गई। अब हमें ये बताएं प्रधानमंत्री जी, कितनी नौकरियां उन्होंने दी किसानों की, MSP के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने कमेटी बनाई थी जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, क्या वो MSP पे बात करने को तैयार है? प्रधानमंत्री जी ने जब किसानों का आंदोलन खत्म करवाया तो ये बोला था कि साहब 3 महीने। यादव जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, एक मिनट, आपने ये कहा कि जनता बताएगी, अब जनता कैसे बताएगी, मैं वही जानना चाह रहा हूँ आपसे। लोकतंत्र में तो एक ही पैमाना है, वो है वोटिंग। बात ही बड़ी कर रहा है ना, वो चुनाव है ना पैमाना, अवनेश यादव जी, वो चुनावी पैमाना है, और जनता कह रही है कि 3 राज्यों में चुनाव हुए, बीजेपी को वोट दे दिया। आपने कहा बेरोजगारी, जनता ने कहा वोट लो बीजेपी को, फिर ये समझ में नहीं आया मसला। देखिए, केंद्र के मुद्दे अलग होते हैं सर, राज्य के मुद्दे अलग होते हैं। अच्छा, राज्य में कहीं ना कहीं हमारी पार्टी की तरफ से तो आप तो कह रहे थे सेमीफाइनल सत्ता का संवाद करना था, वो कहीं कमी रही होगी। चलिए ठीक है, ओके, आपको मजबूती से नहीं बता पाए। ओके ओके, कंचन यादव जी, एक ब्लैक एक व्हाइट, किस पर करे भरोसा, ब्लैक वालों पर व्हाइट वालों पर? भारतीय जनता पार्टी एक तरफा ऐसे बेईमानी कर रही है कि 2014 में जब सत्ता में आने के पहले वो 70 साल करती रहती थी, और हाँ, आज वो क्या कर रही है, 10 साल यूपीए वाला साल। अरे हाँ, भाई आप 10 साल सत्ता में हो ना, आप बताओ कि आपने कितना काम पब्लिक के लिए किया हुआ है। आप 70 साल करते हो, आप 10 साल करते हो, उस समय के अगर आप देखो, आज के जो नव युवक है जो आज पैदा हो रहे हैं, उन्होंने तो वो समय नहीं देखा था, उन्होंने ये नहीं देखा था कि वो कितना गोल्डन और सुनहरा समय था
से। इसका मतलब है अगर आपको अगला चुनाव जीतना है 2024 तो आप ये बताओ ना कि आपने 2023 में क्या किया और 2014 से जब आप सत्ता में आए हो तब से क्या कर रहे हो। तो आप बार बार नेहरू जी का नाम चुनाव आने से पहले लेते हो, आप बार बार यूपीए की बात करते हो, कांग्रेस की बात करते हो। भाई आप अपनी बात करो, पब्लिक ने देखा होगा कि कांग्रेस में कोई बुराई नहीं होगी तो पब्लिक ने आपको 10 सालों में सब बुराई बुरा हुआ कंचन जी। 10 सालों में मैं ये नहीं कह रही हूँ सब बुरा हुआ, लेकिन हाँ। अगर हम वो कहते हैं थर्ड इकोनॉमी हम बनने जा रहे हैं, हम कह रहे हैं थर्ड क्यों भाई, हम पहला इकोनॉमी बन सकते हैं। लेकिन ये तो जब मनमोहन सरकार थी तब अर्थव्यवस्था कौन से नंबर पे थी? आप भी बीजेपी की तरह ही सर पूछ रहे हैं सवाल। कंचन जी ऐसा है, मेरा तरीका थोड़ा अलग है, ये वो वाले प्रवक्ता मत, ये पत्रकार मत समझिएगा, ये आप गलत फहमी है। सवाल पूछूंगा सत्ता से भी और आपसे भी, ये मेरे ऊपर विक्टिम कार्ड मत खेलिएगा। मैं थोड़ा अलग मिजाज का हूँ, ध्यान रखिएगा इस बात का। और आप ही के सामने यही बैठ के आप जो है सवालों पर फिर ताली बजाएंगे अभी थोड़ी देर में। मैं थोड़ा अलग मिजाज का हूँ, इसलिए सवाल सुन लीजिएगा पहले, जो सवाल पूछ रहा हूँ उसके बाद ही जवाब दीजिएगा। मैंने आपसे पूछा कि ये सबसे उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाला जो आंकड़ों वाला मसला वो समझा दीजिए फिर मुझे। मैं आपको क्या कह रही हूँ, इस देश का IIT और IMS से पढ़ा हुआ बच्चा, एम्स से पढ़ा हुआ बच्चा, जवाहरलाल नेहरू से निकला हुआ बच्चा, उसको जब रोजगार नहीं मिलेगा तो एक व्यक्ति के हाथ में पूरी पूंजीपति आप संभाल के उसको दे दोगे और वही देश को कंट्रोल करेगा तो आप देश को नंबर वन इकोनॉमी बना दो। लेकिन देश की आम जनता अगर गरीब रहेगी और उसके पेट मारने नहीं रहेगा और आप 5 किलो उसके राशन उसको पहुंचाते रहोगे तो आप जड़ से समस्या को समाधान नहीं कर रहे हो सर। ये जड़ से समस्या का समाधान करना नहीं है, ये वही है कि आप बस मुंह में दाने डाल दे रहे हो कि बस तुम जिंदा रहो। हम ऐसी राजनीति नहीं करते और ना हम ऐसे देश तो की कल्पना करते हैं। से उभरती अर्थव्यवस्था वाला जिक्र नहीं किया आपने, बताया कुछ मैंने जो दावा कर रही है सरकार। सुनिए वो आज यूपीए की भी सरकार होती है, कांग्रेस की भी सरकार होती है, पहले की इकोनॉमी से आज बेहतर होती, देश हर साल ग्रोथ करता है और उस ग्रोथ 2014 में 10वीं अर्थव्यवस्था थी दुनिया में, अब 23वें अगर बात करें 2023 में 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है दुनिया की। मैं आपके सवाल का बेहतर जवाब देती हूँ। सवाल सर जैसे आप कर रहे हैं ना, ये कहते हैं कभी हम 2027 तक 5 ट्रिलियन बना देंगे, कभी कहते हैं 2030 तक 10 बना देंगे, कभी हाँ? 2047 तक। अरे करंट में बात करो, आप आज की बात क्यों नहीं करते, आप 47 तक की बात करते, तब तक न जाने कितने बुजुर्ग इस देश को छोड़कर चले गए होंगे, वो परलोक को सुधार गए होंगे, आप तब की बात करते हो। आप आज की बात करो ना कि हम युवा नौजवान जो JNU से पढ़कर निकले हैं, हमें नौकरी कहाँ पर रखी हुई है, हम जवाहरलाल नेहरू से पढ़े हुए स्टूडेंट जाते हैं DU में असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने, तो जो शाखा से अगर 2014 से पहले का जिक्र ना करें, 2014 के बाद का जिक्र करें सिर्फ। नहीं मैं कह रही हूँ करंट की जिक्र करो, भाजपा को जिसलिए जनता ने चुनी थी, हाँ। जुमला पर जनता ने चुन ली, 10 साल का नाम 10 साल वाला जिक्र था, 2 करोड़ रोजगार हर साल देगा, 2 करोड़ रोजगार हर साल देगा, जिसलिए जनता ने चुन लिया था, युवा ने चुन लिया था, उसका भाजपा उस तरह से पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई। तो आज कंपेयर कर रही है यूपीए से, अरे यूपीए से क्या आप कंपेयर करोगे, और इनका जो ऑब्सेशन है नहीं तो फिर किससे कंपेयर करें आप, पानवाले पनवाड़ी के साथ तो नहीं कर सकते ना, कंपेयर दोनों सरकारों का होगा, मनमोहन सरकार का और मोदी सरकार का। कुछ अगर आप कहो तो नेहरू से कंपेयर करने लग जाए तो फिर वो गलत हो जाएगा ना। नहीं कंपैरिजन ही अपने आप में बुरा है, कंपैरिजन ही उस अच्छा जिसने फिर कैसे फिर पैमाना क्या हो, कंपेयर ना करें सरकार को तो कैसे करें। मैं आपको बताती हूँ, RTI, IT, मनरेगा, IT, एजुकेशन का एक्ट, IT, फोर्थ सेक्टर एक्ट, IT, जितने अच्छे अच्छे काम यूपीए की सरकार में हुआ, OBC को 27% शैक्षणिक संस्थानों हाँ। में जो आरक्षण देने का काम यूपीए की सरकार में हुआ, क्या भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम किया? नहीं। यही मुद्दे अब आए आप पटरी पर, मुद्दों की बात करिए, एक मिनट रुक जाइए आप, एक मिनट अब आए ना आप पटरी पर। रुद्र प्रताप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ। रुद्र प्रताप जी, एक ब्लैक एक व्हाइट, देखिए अब चुनाव है, चुनाव आने वाला है तो राजनीतिक दल अपने अपने कुछ दांव तो खेलेंगे, लेकिन अभी मैं कंचन जी के सुन रहा था, कंचन जी बड़ी अच्छी बात कह रही थी, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि जब कंचन जी आप जिस पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप अपनी पार्टी में उस चीज को क्यों नहीं लागू करने की बात कर रहे हैं, देश के विकास की, रोजगार की, लोगों के आगे बढ़ने की। आपके दो आपके जो आपके उप मुख्यमंत्री हैं, जो आपके लालू जी के दोनों लड़के हैं, वो अपने आप को शिक्षित तक तो कर नहीं पाए, अब आप देश की बात कर रहे हैं, पहले तो आप अपने पार्टी की बात करिए। रही बात बीजेपी की, जब वो एक राजनीतिक दल है तो किस मुद्दे पर बात करेगा, वो पिछले चुनाव पिछली अगर सरकार से अपनी तुलना नहीं करेगा तो किससे तुलना करेगा, उसको तुलना करने आप उसका काउंटर क्या करते हैं। अब उन्होंने एक अगर श्वेत पत्र लाया तो आपके पास क्या है उसका जवाब, आपने बस सिर्फ उसको काला पत्र कर दिया,
तो इससे नहीं काम चलेगा, आपको उसका बेहतर जवाब देना पड़ेगा और वो जवाब ऐसा होना चाहिए। कौन कितना पढ़ा लिखा है, उनके पढ़े लिखे होने के बावजूद पूरा चुनाव एक लड़के ने मोड़ दिया बिहार का अपने दम पर, और वो भी नौकरी के। मैंने उसकी बात नहीं करी, मैं किस संदर्भ में कहा, जब उन्होंने कहा कि जेएनयू के पढ़े हुए लोग और मैं भी जेएनयू के पढ़े हूं, मैं उस संदर्भ में बात करने मैंने कहा कि जब आप किसी पर आरोप लगाते हैं तो सबसे पहले इन चीजों को खुद देखिए। सवाल ये है कि आप मुद्दों पर बात करिए, मुद्दों पे बात करेंगे जनता उसके साथ आपके खड़ी होगी। कंचन जी जल्दी से बेरोजगारी के आंकड़े लाएंगे, आप महंगाई के आंकड़े लाएंगे, जनता आपके साथ है, लेकिन उसके साथ आप जनता के बीच तो जाइए, आप जनता के बीच जा नहीं रहे हैं। अगर बीजेपी ने एक बात कही आप उसका बस एक उल्टा करके आपने एक चीज अपनी तरफ। कंचन जी जल्दी से, मुद्दों की बात किया ये हमें बहुत अच्छी लगी, और आपको अगर याद होगा 2020 का बिहार विधानसभा का चुनाव अकेले तेजस्वी यादव जी ने मुद्दों पर लड़ा था, लाख कोशिश कर लिए, ये लोग ना हिंदू होने दिए, ना मुस्लिम होने दिए, ना मंदिर होने दिए, ना मस्जिद होने दिए, और आप 17 महीने में देख लिए होंगे 4 लाख से ज्यादा नौकरियां बिहार में दी गई है सर, और कास्ट सर्वे भी हुआ और आरक्षण भी बढ़ाया गया, और आप किस दुनिया में रहते हैं? अगर कहीं पर अगर इस समय मुद्दे की राजनीति हो रही है तो एकमात्र नेता तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं। आपको भ्रम है कि हम मुद्दों की राजनीति नहीं करते हैं, अगर आप आंख खोल कर देखेंगे तो वहीं पर बगल में उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश से लाखों युवा बिहार आकर नौकरी लेने के लिए विवश हो गए थे सर। अगर आप न्यूज देखते होंगे तो आपको इस बात की जानकारी होगी, अगर असल मुद्दों से कोई भटकाने का काम करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि वो ऐसे जुमलेबाजी हम नहीं कर सकते, हम लोग घर पे राजनीति नहीं कर सकते। हमने भी यही बात कही, चावला जी भी यही बात कह रहे हैं कि चुनाव का रुख मोड़ दिया था, हम कहां उसको नकार रहे हैं, हम बस वही बात कह रहे हैं कि अगर आप राजनीति में बात कर रहे हैं तो आप मुद्दों की राजनीति करिए, जनता आपके साथ है। बिहार में आपने मुद्दों की राजनीति करी, जनता आपके साथ थी, मैं उसको कहां नकार रहा हूं, लेकिन जब आप मुद्दों से भटक करके केवल एक बुराई किसी में ढूंढने, उन्होंने श्वेत पत्र जारी किया तो उन्होंने ब्लैक पत्र जारी किया, इसमें क्या ऐसी चीज नहीं आ गई जरा बताइए, मैं उस संदर्भ में बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत है। आपने जब एजुकेशन की बात करी तब मैंने कहा, जब आपने कहा कि हम जेएनयू के पढ़े हमको रोजगार नहीं मिला तब मैंने उस बात को उठाया, अदरवाइज मैं कहां इस बात को नकार रहा हूं, चावला जी भी नहीं नकार रहे, उन्होंने कहा कि भाई रुख मुड़ गया था, देश जब जो चीज होगा उसको कोई नकार कैसे सकता है, लेकिन वो विश्वास आप जनता के बीच लाइए, तो जनता के बीच अगर वो विश्वास, अगर आज बीजेपी 2 बार सरकार बना चुकी है तो जनता के विश्वास से पे बनाई है, और उसका विश्वास जनता के बीच है। आप देखिए 3 राज्यों के चुनाव हुए, उन आपने इतनी चीजें जो मुद्दों को आज आप उठा रही हैं वही मुद्दे पहले भी थे, लेकिन 3 राज्यों में उन्होंने कांग्रेस को हरा दिया, तो जब तक आप जनता के बीच जाकर के जनता के मुद्दों पर नहीं काम करेंगे जनता आपके साथ क्यों खड़ी होगी, मेरा सवाल बस ये था। कंचन जी पूरा मौका दिया अब आपको, है ना, अब पूरा मौका आपको दिया, अब थोड़ा सा सुनिएगा, ठीक त्यागी जी शुरू करें सर। जी बताइए शुरू करें सर। हाँ जी बताइए। सबका कमेंट आ गया, मैंने कहा सब अपनी बात रख ले फिर हम शुरू करते हैं। मैं एक बात जानना चाह रहा था, आपने बताया कि भैया हमारे वाला जो था वो अमृत काल है और इनके वाला था वो अन्याय काल है, राइट? जी महंगाई है कि नहीं अमृत काल में? देखिए महंगाई है ना, पर महंगाई से हम ये नहीं कह रहे कि सरकार उसे काबू करने के लिए लगातार काम। नहीं मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन उदाहरण के तौर पर सर एक मिनट पूरी बात रखिएगा, मैं पूरा मौका दूंगा आपको, पूरा मौका दूंगा, क्योंकि मैं बहस नहीं करता चर्चा करता हूँ। सर आपने आंकड़े बताए लेकिन ये नहीं बताया कि एलपीजी का जो सिलेंडर था 2014 में 410 रुपए का था, वो 2024 में 903 रुपए का हो गया। त्यागी जी प्लीज एक मिनट स्क्रीन पर, अब सारी चीज पूछ लीजिए, त्यागी जी ये वाला नहीं बताया उसमें कि 2014 में 410 रुपए का था 903 का हो गया, पेट्रोल जो 2014 में 71 रुपए का था 2024 आते आते 97 रुपए का हो गया, करीब 37% के आसपास की वृद्धि हो गई, डीजल जो था 2014 में 55 रुपए का था 2024 आते आते 90 का हो गया, 64% की वृद्धि हो गई, आटा जो था 2014 में 22 रुपए का था 2024 आते आते जो है वो 35 रुपए का हो गया, करीब 60% के आसपास वृद्धि हो गई, और जो दूध पीते हैं बच्चे भी 2014 में 35 रुपए का था सर वो 60 हो गया, और वो आंकड़ा भी पहुंच गया करीब 71%, और सरसों का तेल जिससे खाना बनता है सर गरीब आदमी का 2014 में 90 रुपए था 143 रुपए पहुंच गया, करीब 60% की वृद्धि। मैं इतना पढ़ा लिखा तो हूं नहीं कंचन जी की तरह, लेकिन थोड़े बहुत आंकड़े जो मैंने देखे वो अध्ययन किया वो अगर गलत है तो बताइए सर, ये वाला नहीं बताया आपने।
नहीं, आपके सवाल पूरे हो गए, मैं बताऊं? नहीं, सवाल नहीं था सर, ये आंकड़े थे कुछ। नहीं, आंकड़े थे तो मैं आंकड़े की बात बता रहा हूँ जी। आप तो बेहतर जानते हो कि तेल की कीमत, खासतौर से ये जो पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से तय होती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो दाम होते हैं उसके आधार पर तय होती है, और भाजपा शासित राज्यों में स्थानीय व्यय घटाकर तेल की कीमत कम करने की हर संभव कोशिश। कच्चे तेल के दाम पिछले 22 महीने से कम है, सबसे कम। सुनिए, मैं बताऊं ना कि इससे उतार चढ़ाव होता है, तो उतार चढ़ाव होता है उसके आधार पर ये इससे कंट्रोल करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने की है, और बहुत हद तक कामयाबी भी हुआ है सर। डॉलर 58 था। मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपकी बात की त्यागी जी, मैं वही आपको मेरी बात कर नहीं बोला हूँ, आप वो मेरी बात सुन लीजिए त्यागी जी। और जहाँ तक आप ये कह रहे हो कि जैसे सरसों का तेल, तो सर कंपेयर कर रहे हो ना आप भी, मैं भी आपसे कंपेयर कर रहा हूँ। अगर बढ़ी है तो उनसे किसानों का भी फायदा हुआ है, जनता को ऐसा नहीं हुआ है सर। मैं आपकी बात से मानता हूँ, उदाहरण के तौर पर त्यागी जी, प्रैक्टिकल बात करते हैं ना, प्रैक्टिकल बात। मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात त्यागी जी, मैं आप ही की बात लेकर जा रहा हूँ सर, आप ही की बात, आप ही की बात लेकर जा रहा हूँ। आपने कहा पहले मुझे कहने नहीं दीजिए जी, मुझे कहने नहीं दीजिए। और जब जनता को देने का काम पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हर प्रदेश में करा है, और मुफ्त जनता को खाना दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी 80 करोड़ को कर रही है, तो इसमें कहां सवाल हो रहा है? नहीं, मैं उसी पर ही आ रहा हूं ना सर, नबज को देख सर, एक मिनट, आप ही की बात पे आ रहा हूं ना सर। उदाहरण के तौर पर सिलेंडर से ही शुरू कर लेते हैं, 2014 से पहले तो सबसे बड़ा मुद्दा ही वही था, बोले जय श्री राम, बोले ले आओ भैया सिलेंडर उठा लो। आजकल ये जो है गलती इनकी है सर, ये लोग उठा ही नहीं पा रहे सिलेंडर, यादव जी अगर नहीं उठा पा रहे तो उनकी गलती। त्यागी सुन तो लीजिए एक मिनट सर, आपने कहा चुनावों में 400 रुपए का सिलेंडर, जो हमें वोट देगा हम उसको 400 रुपए का सिलेंडर देंगे, बोला ना आपने सर? देखिए गरीब, एक अगर आपने बोला तो पूरे देश को 400 रुपए का दे दो सर, कौन रोक रहा है आपको? जो गरीब लोग हैं उनको सस्ता दिया जा रहा है, आज भी सस्ता दिया जा रहा है। अच्छा, और कंट्रोल करने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी, नहीं तो 400 रुपए का तो सबको मिलना चाहिए ना, ऐसी सरकारों ने कभी नहीं की है सर। मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो कंचन जी को भी मिलना चाहिए, वो तो अन्नेश यादव जी को, नरेंद्र सोनी जी को, रुद्र प्रताप सिंह को, तिलक चावला को भी मिलना चाहिए 400 रुपए का सिलेंडर। जितनी कंट्रोल हुई है इतनी कभी नहीं हुई है, और जनता को सुलभ बनाने का, जनता की सुविधाओं को ध्यान रखने का, जनता की जरूरतों को पूरा करने का ध्यान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। गरीब आदमी को मुफ्त राशन देने का काम भी किया है, त्यागी सर, सस्ता सिलेंडर देने का काम किया है, गरीब आदमी के घर तक चूल्हा पहुंचाने का कनेक्शन देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, बिजली के कनेक्शन देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है। तो और जनता इससे ज्यादा बेहतर नहीं जानती, जनता स्वीकार रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को स्वीकार रहा है। त्यागी जी सर सुन तो लीजिए, सवाल सुन लीजिए, समर्थन इसलिए दे रही है, बार बार दे रही है सर, सवाल तो सुन लीजिए, मनोनुकूल काम। त्यागी जी एक मिनट, सवाल तो सुन लीजिए, अभी कंचन जी देखिए सर्टिफिकेट बांटेंगे, एक मिनट रुकिए ना, मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा था। जब डॉलर की कीमत ऊपर होती है नीचे होती है तो क्या होता है सर? वो 2014 से पहले आप कुछ बताते थे डॉलर की कीमत, आज पैमाना, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो घूमते घटने का काम हो रहा है, आप बताते थे डॉलर डॉलर की कीमत गिरना, रुपए की कीमत बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है भारत, भारत बन गया है पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था, और विकसित भारत बनने की तरफ भारत कदम बढ़ा लिए हैं। आने वाले दिनों में नंबर एक की अर्थव्यवस्था हो जाएगा भारत, ये तय है। जिस तरह से बढ़ रहे हैं, जिस तरह से योजनाबद्ध तरीके से काम चल रहा है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, लेकिन सवाल का उत्तर दे दीजिए सर। आप सवाल सुनने से पहले उत्तर दे रहे हो, सवाल तो सुन लो। उससे ये जब अर्थव्यवस्था मजबूत हमारी हो रही है सर, तो निश्चित रूप से गरीबों को भी फायदा हो रहा है, देश के हालात सुधरे हैं, त्यागी सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि सुधरी है, और जनता सर मेरा सवाल सुनना चाहेंगे आप? सवाल तो मेरा पूरा सवाल ही नहीं, वो साख की बात आई थी, रुपए की साख सर, सवाल तो ले लीजिए, या सवाल नहीं सुनना चाह रहे, बोलना चाह रहे तो हम सबका म्यूट करते हैं, आप बोलते रहिए सर, सवाल ले लीजिए। मेरा ये कहना था, जब 2014 में 58 डॉलर वाला मसला था, अब 82 रुपए और 83 रुपए पहुंच गया मामला 83 के पार, ये आंकड़ा गलत तो नहीं है ना मेरा? वो डॉलर साख और वो मसला था 1 रुपया और ये कुछ इस तरह का, तो अब ये पैमाना कैसे हो फिर? देखिए पैमाना होता है देश की अर्थव्यवस्था से, देश के कोष से। अच्छा तो वो आप पैमाना नहीं, वक्त मजबूत है, ठीक, अर्थव्यवस्था मजबूत है यादव जी, रेट घड़े बड़े हैं ये आप जान रहे होंगे, पर यादव जनता ये जान रही है और जनता इस बात को स्वीकार रही है। वो तो कह रहे हैं कि ये आंकड़े अगर सारे झूठे हैं, गुलाबी हैं, तो जनता हमें वोट क्यों दे रही है ये बता दो बस। सक्षम देश बनने में और
अभी आपने लिया कि हमारे बीजेपी के साथ ही जो है वो अभी भी शांत नहीं हो रहा है, सुनना नहीं चाह रहे। यही काम ये संसद में करते हैं, यही काम संसद के बाहर है। सुनना बंद कर दिया है, सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ बोलने का काम हो रहा है। जनता क्या चाह रही है, जनता की नहीं सुनाएंगे, जनता को सुनाए। एक मिनट त्यागी जी का आप ऑडियो नीचे रहेगा, लेकिन त्यागी जी प्लीज आप अखिलेश यादव बोलेंगे, प्लीज अखिलेश यादव का ऑडियो रहेगा। जी जी बोलिए यादव जी। जी मैं सिर्फ दो तीन बातें कहना चाहूंगा, बाकी तो त्यागी जी ने बहुत सारी बातें कह ही दी है, बड़े भाई है, इनका पूरा सम्मान है। जब डॉलर गिरता था हमारी यूपीए सरकार के समय पे, तब तो रुपया आ जाता था कि साहब सरकार की जो है अस्मिता गिर रही है, और अब अगर रुपया गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, तो अब उसमें अंतर्राष्ट्रीय कारण बताए जा रहे हैं। अब अगर डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है तो देश हित में बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है तो देश हित में बढ़ रही है। जब आप किसी सवाल का जवाब ना दे पाओ तो आप बोलो कि हम साहब अर्थव्यवस्था मजबूत कर रहे हैं। आपने किसी राज्य में उदाहरण पेश किया, लेकिन ये नहीं बता पा रहे कि साहब अर्थव्यवस्था मजबूत तो कर रहे हैं, लेकिन कैसी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है कि गरीब गरीब होता जा रहा, अमीर अमीर होता जा रहा। यादव जी आपने किसी राज्य में पेश किया उदाहरण, महंगाई पे आप लगाम लगा नहीं पा रहे हो। जी किसी राज्य में पेश किया आपने उदाहरण, कोई नजीर पेश की? राजस्थान में देख लीजिए सर, राजस्थान में हमने 450 रुपए का सिलेंडर दिया। अच्छा तो आप दे तो राहत और ये देते रेवड़ी है? आप दे तो राहत दो रुपए का, आप दे तो राहत, और वही आम आदमी पार्टी को कहते थे पैसा कहाँ से लाओगे, घर से लाओगे? ये 100 यूनिट बिजली कहाँ से फ्री है, पानी कहाँ से फ्री, तब बोलते थे कहाँ से पैसा लाओगे, और आप कर रहे हो तो रेवड़ी नहीं है वो सर? नहीं देखिए सर, अब ये रेवड़ी जो बीजेपी कहती है तो वो तो वो वाली बात हो गई कि जब बीजेपी कोई योजना देती है, और ये जो राशन वाली योजना है वो भी हमारी लगाई हुई योजना है। ओहो, इन्होंने तो सिर्फ उसके नाम बदले हैं, बस बाहर का लिफाफा बदल दिया है, उसमें मोदी जी का फोटो आ गया है बढ़िया सा, मुस्कुराते हुए हंसते हुए। तो ये नहीं बताते कि साहब कांग्रेस की दी हुई योजनाएं थी मुफ्त राशन वाली, पहले मनमोहन जी की फोटो नहीं लगती थी क्या? नहीं उस समय नहीं लगती थी। हम लोगों ने देखिए, इन्होंने कोविड का कितना प्रचार किया, लेकिन ये भूल गए कि जो पोलियो ड्रॉप है वो हमारी सरकार के समय दिए गए थे। अच्छा, लेकिन हम लोग काम करने में विश्वास रखते हैं। जितनी भी निजी कंपनियां थी उनको पीएसयूज में हमारे समय लाया गया, अब इनकी उपलब्धियां हैं, उन तमाम पीएसयूज को निजी हाथों में देने की तैयारियां चल रही है। कई जगह ये अपने मकसद में सफल हो गए और कई जगह इनकी प्रक्रियाएं चल रही है। रेल पे आप बात कर लो, रेल का किराया। यादव जी त्यागी सौ बातों की एक बात कह रहे हैं, आपके पास तो मेरे से ज्यादा डेटा है। नहीं नहीं, मेरे पास तो मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ आप लोगों की तरह। मैं एक बात यादव जी जानना चाह रहा था कि पैमाना तो एक है ना, त्यागी जी कह रहे हैं कि हमने सब कुछ बुरा किया तो जनता हमें वोट क्यों कर रही है? देखो साहब, जनता जो है वो बड़ी उदार है, जनता ने पहली बार मौका दिया इनको कि साहब ये रोजगार देंगे, शिक्षा देंगे, सब कुछ देंगे, फिर ये कमी निकालते रहे पिछले 5 साल की, नेहरू ने ये किया, गांधी ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया, हमें एक मौका और दे दो। हाँ। तो दूसरा मौका भी जनता ने दे दिया, ठीक, लेकिन इस बार मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ साहब। हाँ। कि इनकी जो काट की हांडी है, जो 2 बार भले ही चढ़ गई हो, लेकिन 3 बार नहीं चढ़ेगी, क्योंकि हम लोग तो साहब गांव में रहते हैं, हम भी यही जानते हैं, 3 बिगाड़ा काम बिगाड़ा। देखिए देखिए, है क्या ना, आप भी यही और हम भी यही, आप लोग तो बार बार बदल जाते हो, लेकिन हमें तो इसी सीट पे बैठना है ना, मेरी बात समझिएगा, है ना। तो मैं आपकी बात कोट करके रख लेता हूँ अपने दिमाग में फीड करके, लेकिन ममता जी ने कहा था कि 40 पार ना होंगे इनसे। अब खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। ये सोनी साहब, सोनी जी जी, अब ये व्हाइट और ब्लैक वाली जो सियासत चल रही है, आंकड़ों की बाजीगरी आप तो जानते हैं, गुलाबी आंकड़े भी होते हैं, गरीबी हटाओ नारा सबने सुना, गरीबी कहां हटी, कितने हटी वो सब जानते हैं, लेकिन कुल मिलाकर अब मुद्दों पर जो चुनाव होगा, ये आंकड़े जनता याद रखेगी या फिर कोई एक खास मुद्दा, जैसे आजकल राहुल गांधी कह रहे हैं वो जाति जाति जाति, फिर आरक्षण आरक्षण आरक्षण, जैसे पहले बोलते थे अडानी अडानी अडानी, आजकल बोल रहे हैं आरक्षण आरक्षण आरक्षण, मुद्दा होगा या ये श्वेत पत्र और ब्लैक पत्र?
देखिए मुझे लगता है कि आज देश में सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का, उसके बाद दूसरा मुद्दा है जो भ्रष्टाचार फैला रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, और जो भ्रष्टाचारियों को शरण देकर उनको वो धुलधुलाकर और उनको बड़े बड़े पदों पर आसीन किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक। और जो रोजगार के लिए युवा भटक रहा है ये सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। और एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठ के टीवी चैनल पर ये कहते हुए पाए जाते हैं कि हमने करोड़ों, पता नहीं कितने करोड़ का ये आंकड़ा देते हैं, इतने करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर लेकर के आ गए, प्रधानमंत्री जी ने भी भाषण दिया, और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। अब पता नहीं ये कौन सी बात सच बोल रहे हैं, कौन सी झूठ बोल रहे हैं। अगर 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है तो इसका मतलब 80 करोड़ तो गरीब हो गए, ठीक, 140 में से तो बचे कितने भाई साहब, ठीक, और उसमें से भी इन्होंने गरीबों का स्तर उठाया करोड़ों लोगों का, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि उससे पहले तो इसका मतलब 2014 से पहले तो पूरा देश ही गरीब था, ठीक, या किसी के पास जेब में कुछ था ही नहीं। सोनी जी, तो भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े एकदम बड़े हैरान करने वाले होते हैं कि क्या आंकड़े लेकर के आते हैं और क्या नहीं, और आज देश को इनको श्वेत पत्र की बजाय ये जवाब देना चाहिए जो बार बार देश के लोग इनसे जानना चाहते हैं कि भैया महंगाई के आंकड़े आप दिखाई रहे हैं कि 2014 से पहले क्या थे और आज क्या हालत में पहुंच गई है। सोनी जी, रोजगार के लिए युवा भटक ही रहा है। सोनी जी, बाकी सब ठीक है, ये जो 80 करोड़ राशन वाला मसला है, ये क्यों ना इस मंच से आप ये मांग करें कि ये योजना तुरंत बंद करो, बोलो। नहीं मैं क्यों नहीं, क्यों, ये क्यों कहें हम कि बंद करो, तो बोलिए ना, बोलना चाहिए आपको बंद करो इस योजना को। इसका मतलब आपने 80 करोड़ लोगों को राशन पे लाके अटका दिया, तो आप सोनी जी मैं तो कह रहा हूँ आपसे कि बोल दो ना बंद करो इस योजना को तुरंत। नहीं, लोगों का जीवन स्तर उठाओ और बंद करो, बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, बोलो तुरंत बंद करो, अभी करो उनको, क्यों आपने अभी बोले त्यागी जी को बंद करवाओ योजना को, मैं मांग करता हूँ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते। नहीं 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 नहीं, अच्छा तब नहीं करोगे, ओके, आप झूठ बोल रहे हैं। तो ये 100 यूनिट बिजली मुफ्त, आपने 80 करोड़ लोगों को पानी हाफ, बिजली का बिल माफ है ना, तो फिर वो कहाँ से पैसा आता है? और ये कहते हो फिर सुंदरकांड करवाते हो सरकारी पैसे से, फिर बोलते हो कि भैया ना हम तो धर्म की राजनीति नहीं करते, भाजपा ही करते हैं। कहां आप साबित करिए सरकारी पैसे से, कहां सुंदरकांड, किसके घर से पैसे लगाए हैं सुंदरकांड के, साबित करिए। तो आप साबित कर दीजिए कि घर से पैसा लगाया है। मैं शारीरिक रूप से हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा आपसे, सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हो सरकारी पैसे से और कह रहे हो कि भैया हमने घर से पैसा लगा दिया। पार्टी ने किया है, जनता ने किया है, तो भारतीय अच्छा। जनता पार्टी से पूछिए कि राम मंदिर बनाने में मैंने भी चंदा दिया, ये कहते हैं राज मंदिर हमने बना दिया, आपने दिया कि नहीं चंदा, अभी पूछ लेंगे। चंदा दिया है कंचन जी, कुछ कहना चाह रही कंचन जी, पहले आप, फिर रुद्र प्रताप जी आपके पास आ रहा हूँ। कंचन जी बोलिए। जी जी आदित्य जी, आप कह रहे थे कि क्यों नहीं 80 करोड़ अभी बंद कर दिया जाए, क्या नाम है मेरा, सॉरी सॉरी, हाँ जी, मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि 80 करोड़ जिन परिवारों में नौकरी नहीं है उस परिवारों में रोजगार नौकरी पहुंचा दिया जाए, फिर बंद कर दिया जाए, लेकिन उसका शुरू तो किया जाए, नौकरी देना तो शुरू किया जाए। आप हर करोड़, हर साल 2 करोड़ आप बोले थे, अगर अब तक दिए होते 20 करोड़ दे दिए होते तो 20 करोड़ फैमिलीज वहां से निकल गई होती, लेकिन आपने तो ऐसा किया नहीं। तो ये मैं कह रही हूँ, यहाँ पर त्यागी जी बैठे हुए हैं, मैं त्यागी जी से पूछना चाह रही हूँ कि त्यागी जी, क्या आपके घर में सिर्फ 5 किलो राशन होता है? नहीं, तभी आप आज बीजेपी के प्रवक्ता बन के यहाँ बैठ पाए हैं। जिस दिन आपके घर में सरकार 5 किलो राशन पहुंचाने की उसकी आप जरूरत पड़ जाए, आपके घर में एक भी बच्चा जो है आपके जैसा वृक्ष नहीं बन पाएगा जो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता पद पर पहुंच पड़े। आज इस 80 करोड़ जो लोग हैं उनके जो बीज है, उनके घर में जो अंकुर है वो फूट नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि आपको राशन देना पड़ रहा है, रोजगार आप नहीं दे रहे उनको, आप नौकरी नहीं दे रहे उनको। 80 करोड़ लोगों की त्यागी, कंचन जी कह रहे हैं देश में लालू मॉडल लागू कर दो, बुरा मत मानिए, एक मिनट, त्यागी जी, लालू मॉडल लागू करो। ये चावला जी, हाँ, ये बोखलाई हुई है दरअसल, ये परिवारवादी व्यवस्था के मारे हुए लोग 2014 के बाद से देश की राजनीति के मायने बदल गए। देश की जनता को विकास की राजनीति का, सबके लिए विश्वास का, सबके विकास अच्छा, का, परिवारवाद से मुझे कुछ याद आया, एक मिनट, जो राजनीति का मजा लग गया है, हाँ, परिवारवाद से परिवार मुझे कुछ याद आया, वो जयंत चौधरी आ रहे हैं ना, जयंत चौधरी भी आ रहे हैं ना, नहीं
देखिए जो नीतियों में, जो जनता की सेवा में, अमित शाह जी के बेटे की नहीं, उसका स्वागत है, नहीं सबका स्वागत तो है, सेवा करना चाहता है। जयंत चौधरी परिवारवाद में आते कि नहीं? अभी उस पर कोई टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अच्छा उस पर नहीं करोगे, जब कुछ होगा तब। आज वो परिवारवाद के, परिवारवाद का जिक्र किया, मैं इतना जानना चाह रहा हूँ परिवारवाद में आते कि नहीं, जिनकी से दूर जनता दूर जा चुकी। अब जब जनता को विकास की राजनीति का मजा लग गया है, त्यागी जी नरेंद्र मोदी ने नहीं है विकास की राजनीति, परिवारवाद में आते कि नहीं, परिवारवाद में नहीं शुरू करा है चौधरी चरण सिंह के पोते, वो चौधरी चरण सिंह के पोते अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी जी परिवारवाद की पुरोधा है कि नहीं, मैं इतना जानना चाह रहा हूँ बस आपसे। देखिए ये बातें मैंने की, मैं सबके लिए इन जनरल कह रहा हूँ, नहीं तो मैं भी जनरल ही पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं नहीं मैं ये कह रहा हूँ, वो नहीं है जो परिवारवाद का व्यवस्था कर रहे थे, ठीक उनको जनता नकार चुकी है। 14 के बाद से विकास की राजनीति का मजा जनता को लग गया है, स्वाभिमान की राजनीति का जनता लोग लग गया है, राष्ट्रवाद की राजनीति का। सर आपने बोल दिया कि जयंत चौधरी अभी लिस्ट से बाहर है, तो मैं समझ गया आपकी बात, जनता पार्टी के प्रति दिन बढ़ता जा रहा है। जैसे अनुप्रिया पटेल बाहर हो गई, चिराग पासवान बाहर हो गए उस लिस्ट से, संजय निषाद की पार्टी बाहर हो गई, ओपी राजभर जी बाहर हो गए, चलने की जो बात करेगा परिवार बाहर हो गया, क्वेश्चन नहीं करेगा, विजय बाबू का परिवार बाहर हो गया, वैसे ही सब परिवारवाद से बाहर हो गए। ओके नहीं वो स्वीकार करेगी, अब विकास की राजनीति करेगा, जो आम जनता की राजनीति करेगा। सबसे बड़ा मुद्दा आपको क्या दिखाई दे रहा 24 का? अभी एक मिनट रुद्र प्रताप जी क्या दिखाई दे रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा है, एक सवाल मेरा आपसे होगा कि जैसे आपने बहुत राजनीति को बारीकी से देखा है, जब हम लोग 12-13 की चुनाव से पहले की बात करते थे तो जो भी मुद्दे थे, चाहे वो महंगाई हो, आपने अभी एक जिक्र किया कि डॉलर के रेट घटने से किसकी वैल्यू गिरती है, आपको याद है 10 साल पहले की बात ना, आपको सिलेंडर याद है ना कि वो दिखाई देता था कि महंगाई है, बेरोजगारी दिखाई देती थी कि है, भ्रष्टाचार की बात होती थी तो दिखाई देती है। एक मजबूत विपक्ष का काम क्या होता है कि जो सरकार की कमियां हैं उसको लेकर जनता के बीच जाए, वो मुद्दे कोई भी हो सकते हैं, इसमें मैं नहीं कह रहा हूं, हर पार्टी के अपने मुद्दे हैं, उसके साथ जाए और मजबूती के साथ उसके साथ लड़े। आपने पिछले 10 साल में किसी भी राजनीतिक दल को महंगाई के लिए लड़ते देखा है? हाँ। कि जनता उनके साथ खड़े है, वो एक बात आती है, एक डिबेट में चर्चा चलती तो एक रेट बता देते हैं कि इसके रेट इतना हो गया, इसका रेट इतना हो गया, बेरोजगारी की बात होती है तो एक हो जाता है कि आंकड़े ऐसे हैं। आपने देखा है उस समय, आपको याद होगा एक एक चीज, बीजेपी के नेता की सिलेंडर लेकर के, तेल को लेकर के, सब्जी को लेकर के धरने पे बैठते थे। बहुत अच्छी बात, ठीक है, तो जब आप काम नहीं करेंगे यादव जी, तो जनता आपके साथ क्यों? जितना मैं समझ पाया ये कह रहे हैं, अब मेरी बात तो सुन लो, मेरी बात सुन लो, एक मिनट, ये कह रहे हैं कि जिस दिन, आप ये मत बोलना कि हम निकले थे, फोटो खींची थी और हमने ट्विटर पर डाल, जिस दिन, मेरी बात समझिएगा, जिस दिन प्रियंका गांधी जी सड़कों पर उतर कर सिलेंडर लेकर आ जाएंगी, उस दिन बोलिए जय श्री राम, बोलिए कैसी रही कि नहीं? आप लोग 10 सालों में निकले नहीं ना घर से बाहर, वो यही कह रहे हैं, कह रहे निकले होते तो फिर बात कहानी कुछ और। दुर्भाग्य है सर कि विपक्ष को वो जगह नहीं मिली, नेशनल मीडिया में वो जगह नहीं मिली, मीडिया से हम लोग कोई भी मुद्दा अपने काम से क्या मतलब है, मीडिया दिखाया नहीं दिखाया, आप काम तो करिए, मीडिया के और जो तमाम चैनल है उनके लिए कह रहा हूँ। यूपीए सरकार के समय मीडिया स्वतंत्र था, मीडिया कवरेज करता था, अन्ना आंदोलन दिखाया, रामदेव जी का आंदोलन दिखाया, हमारे मीडिया ने नहीं दिखाया, बताइए दिखाए कहाँ से, जब करोगे नहीं आप तो, अरे आप करिए तो, मूंद लोगे आप कबूतर की तरह तो कैसे दिखाई देगा आप? अरे हम कबूतर बन जा रहे हैं लेकिन आप तो उड़ान भरिए, आप हमारे उड़िए लोगों को दिखाई, तो आप गलत कहेंगे तो वो गलत है। नेशनल मीडिया क्या दिखा रहा है कि साहब हिंदू मुस्लिम अच्छा। अंग्रेज जी मेरा एक सवाल था, जब देश में मीडिया नहीं थी तो क्या देश में राजनीति नहीं होती थी? तब देश में नेता नहीं होते थे, नेता घर घर जाकर राजनीति करते थे, अब आप मीडिया के भरोसे राजनीति करना चाह रहे हैं तो राजनीति नहीं होगी? जनता के बीच तो जाइए, जनता के बीच आप नहीं जा रहे, मीडिया के भरोसे बैठे हुए हैं कि मीडिया आपको दिखाएगी? आप सरकार से सवाल नहीं कर पाओगे, यार आप मीडिया के भरोसे नहीं है यादव जी, आप मीडिया के भरोसे नहीं है रुद्र जी, यादव जी एक मिनट, नाम मीडिया के भरोसे यादव जी, नाम आपके भरोसे जी, हमें भी मालूम है कि आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, मैं एक घंटे से आपकी बात सुन रहा हूँ यादव जी, कुछ अर्ज करूँ सर? अरे सर आप बड़े भाई हैं,
आप बिल्कुल हुक्म कीजिए। नहीं नहीं नहीं, मेरे को ये रोंदी और गोदी मीडिया कुछ समझ में नहीं आता है। ये जो मसला है, देखिए हम तो है जो आखन देखी वाला मसला है हम लोगों का, ये स्टूडियो में बैठ के वो वाली कहानी नहीं है, जो देखते हैं वो बोल देते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आपने कहा कि ये दिखाते नहीं है हमको, मैं आपको यही उदाहरण देता हूं एक छोटा सा, बाकी आपका विवेक, आप चाहे तो हमें भी उस श्रेणी में लाके खड़ा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रियंका गांधी जी ने ऐलान किया कि मैं हाथरस जाऊंगी, ठीक, थोड़ा लाइब्रेरी में जाइएगा आपको सब मिल जाएगा। प्रियंका गांधी जी घर से निकली और डीएनडी तक, मुझे याद है नेहरू नोएडा के डीएनडी तक, देश का ऐसा कोई मीडिया नहीं था जिन्होंने प्रियंका गांधी जी को ना दिखाया। मेरी बात समझे आप? मैं सुन रहा हूं सर। हाँ, तो आप घर से बाहर निकलिए, ऐसा नहीं है कि सब ठीक रहा, अगर फोड़ना हो तो वो आपका विवेक। अब कौन क्या है मैं उसमें नहीं जाऊंगा बहस में। त्यागी जी मैं फाइनल कमेंट आपका ले रहा हूं। राहुल गांधी सवाल सुन लीजिएगा फिर उत्तर दीजिएगा, उम्मीद करूंगा। यादव जी मैं भी 3 डिबेट कर चुका हूं उसी पर ही, आप चाहे तो मैं भिजवा दूंगा। नहीं सर, मैं पर्टिकुलर आपकी बात कर ही नहीं रहा हूं सर। आप पे तो मुझे आंख मूंद के भरोसा है कि आप बिल्कुल संतुलन बना के बात करते हैं। नहीं, तराजू सबके लिए बराबर, उस मीडिया की ठीक है सर, अब उस पे एक दिन चर्चा अलग से बुला लेंगे। त्यागी जी सवाल सुन लीजिएगा सर, पूरी गुजारिश करूंगा मैं आपसे, बाकी आप सुने फिर उत्तर दीजिएगा क्योंकि ये फाइनल सवाल है। महंगाई दर का जिक्र किया गया था तो 2023 में वो आंकड़े आपने दिखाए, मगर एक आंकड़ा ये भी था कि 2023 के भीतर ही महंगाई दर 12 महीने में से 11 महीने 6% से ऊपर रही, जो आरबीआई की लक्ष्मण रेखा है ना उससे ऊपर रही। बेरोजगारी दर 2014 में 3.4% थी, जो पहुंची 2024 में 7.2% तक। और कांग्रेस का यह आरोप भी है कि भाई 2012 में 1 करोड़ बेरोजगार हुआ करते थे और 2022 में यह बढ़कर 4 करोड़ हो गए। तो ये आंकड़े कौन से हैं? देखिए आंकड़े मैं मान रहा हूं कि हम ये नहीं कह रहे कि महंगाई शून्य कर दी है भारतीय जनता पार्टी। महंगाई रोकने के लिए जितने कदम भारतीय जनता पार्टी के शासन में उठाए गए इतने कभी नहीं उठाए। और महंगाई की दर, महंगाई की दर जो आप बता रहे हो, हाँ, वो कांग्रेस के कार्यकाल में देखोगे तो उससे ज्यादा तेज हुई। अच्छा, चाहे सिलेंडर की रहा हो या किसी भाव की रहा हो। सर आरबीआई तो 6% से ऊपर खतरनाक बताता है ना। मैं बता रहा हूँ ना, खतरनाक है, पर उसको रोकने के काम सरकार बड़ी गंभीरता से बड़ी, तो 12 से 11 महीने 6% से ऊपर। मेरी बात सुन लीजिए, अब मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ, जब मैं आप बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ, गुस्सा में तो ये सवाल गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, आप बार बार बीच में बोल रहे हैं। और जब ये सरकार काम कर रही है और सरकार के काम जनता की समझ में आ रहे हैं, ठीक, बिना भ्रष्टाचार के काम कर रही है और जो भ्रष्टाचारी थे उनको जनता नकार चुकी है, ठीक, जनता के पक्ष में जब काम हो रहा है, जनता उसे स्वीकार रही है, जनता उसको प्रशस्ति पत्र दे रही है, जनता उसको सराहना कर रही है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसलिए कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो काम हो रहा है, रुकावट के लिए प्रयास हो रहे हैं गंभीरता से। 2014 में विदेशी कर्ज 440 अरब डॉलर था, 2023 में 635 अरब डॉलर। परिवारवाद के पैरों तोड़ दिए हैं और देश बहुत मजबूती से अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है। चलिए ठीक, ओके, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, मैं वक्त से ऊपर चला गया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कंचना जी अगली बार सर्टिफिकेट जरूर दीजिएगा, उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा। थैंक यू सो मच आप सभी का, यादव जी आपका भी, सोनी जी आपका भी, त्यागी जी आपका भी और रुद्र प्रताप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी 24 की लड़ाई बाकी है, ये तो मसला श्वेत पत्र बनाम ब्लैक पेपर, यानी रेड ब्लैक एंड व्हाइट, अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।